फ्रेंड वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड हम यहां पर उत्तराखंड शासन ने एक नया चेंज किया है ग्राम विकास अधिकारी के जो भर्ती के संबंध में उसकी योग्यता को लेकर हम सब कुछ आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो सब कुछ बताऊंगा और भर्ती कब आ रही है ग्राम विकास अधिकारी की वो भी बताऊंगा, तो मेरे साथ अंत तक आप बने रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अधिसूचना है उत्तराखंड शासन की ओर से, जहां पर ये चीज़ बताई गई कि राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति के उपयोग करते हुए उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2011 में चेंज किया है। पहले इसमें क्या था, स्नातक और पहले तो 10+2 था, उसको फिर बाद में चेंज करके स्नातक कर दिया गया, उसके साथ साथ CCC कर दिया गया। लेकिन अब नियमावली में कुछ चेंज हुआ है वो हम आपको बताएंगे, वो आज की बड़ी न्यूज है। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है कि 2020 में जो नियमावली में चेंज हुआ था उसमें एक बीच में इसको चेंज कर दिया गया था, इसमें अब लिखा है कि संक्षिप्त नाम जो है कि इस नियमावली के संक्षिप्त नाम का नाम उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी के संशोधन नियमावली 2020 है। उसके अलावा और इसमें क्या है, उसके अलावा कि इसमें जो नियम 6 का जो संशोधन हुआ है उसमें ये हुआ कि उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियम नियमावली 2011 जिससे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है। नियम 6 के अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द के पश्चात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ये चीज़ उसमें ऐड हुई है। उसके अलावा शब्दों के अंत स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है, ये इसमें एक स्टेंच हुआ, एक नया चेंज हुआ। लेकिन जो मेन चीज़ है वो अभी बाकी है, उसके अलावा मूल निवासी और स्तंभ 1 और 2 में जो चेंज हुआ। अब देखिए अब जो बड़ा चेंज हुआ है वो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान अर्थशास्त्र कॉमर्स में स्नातक उपाधि धारण करता हो, साथ ही साथ वो कंप्यूटर संचालन में CCC लेवल का कोर्स उसने किया हो। ध्यान दीजिएगा ये पहली की नियमावली थी जिसमें कहा गया था कि ग्रेजुएशन प्लस आप BA BCOM BSc भी हो सकते हैं, कोई और एजुकेशन आपका जो स्नातक लेवल का प्लस आपका CCC का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अब जो नया नियमावली चेंज कर दी गई है उसमें बहुत सा बड़ा बदलाव है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ये बदलाव करना चाहिए था। आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अब जो नया नियमावली चेंज की गई उसमें है कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके संबंध में कोई उपाधि धारण करता हो, यानी कि ये नहीं मतलब है कि आपने BA BSc BCOM या कुछ भी किया हो। उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि CCC हटा दिया गया है, यानी कि आप CCC की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात इसमें इसको हटाने के बाद कंपटीशन और बढ़ेगा, उसके अलावा लोगों को एक कंप्यूटर की अवेयरनेस जो कि लोग कर लेते थे कि हाँ भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी जरूरी है, लेकिन उनके अब ये अवेयरनेस लोगों को नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है कि ये नियम सही है। बाकी इसका जो प्रभाव है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी आधिकारिक संचालित जो है सरकार द्वारा कोई भी कंप्यूटर संस्थान नहीं है, लेकिन CCC अपने आप में लोग वैसे भी डायरेक्ट से करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है। बाकी और रही बात अंत में जो इस भर्ती की आने वाली है, आपको मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक के अंदर ये भर्ती वीडियो की आपको मिल जाएगी, तो इसलिए आप चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो और ये न्यूज़ जो है अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्द फैलाओ, ताकि उनको ये पता चले कि अगर उन्होंने CCC नहीं किया है तो फिर भी एलिजिबल है ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म को भरने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अधिक कोई जानकारी हो या ये आपको ये स्क्रीनशॉट इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर ट्विटर पर फॉलो करना, वहाँ पे आपको इसका लिंक स्नैपशॉट मिल जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।